तेरा बन जाए। पता है आज एक बहुत बड़ा काम हो गया। हमने इस केस के पेपर्स पर पापा के साइन भी करवा लिए और उन्हें ये केस लड़ने के लिए राजी भी कर दिया। इसी चक्कर में थोड़ी देर हो गई। अच्छा बता, हम क्या बनाए तुम्हारे लिए, क्या खाओगे? तुम्हें आलू का भुजिया बहुत पसंद है ना, जल्दी भी बन जाएगा। अभी नौटंकी बंद करो, समझे? आलू का भुजिया का मतलब पसंद तो जिंदगी भर वही खाते रहेंगे, हैं पप्पू, समझियो हमको। अल्लाह चूल्हा में झोंकने के लिए अम्मा और भाभी हैं और तुम्हारे आने से बहुत पहले से हैं। पता नहीं क्या समझती हो अपने आप को। अल्लाह शक्कर का दाना हाथ में पकड़ाए के कह दो कि बर्फी है तो का बर्फी मान लेंगे। कागत कर दिया हमने, हैं ना, उठते बनता ना बैठते बनता है। कभी तुम्हारे चक्कर में अम्मा बाबूजी से भिड़ जाते और कभी उनके चक्कर में तुमको खरी खोटी सुनाते। या तुम ना खुश, वह नाराज। हमारे साथ का यार, हमारे साथ का है, हम क्या किए? फुटबॉल बना के रख दिया हमको, कभी ऐसे 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 खेल रहे हमारे साथ। अरे मार मार खा के हम कैसे सूझ गए पूरे। साला कोनो जीतता भी नहीं, जीते तो हमें वो मुक्ति मिले। नहीं, तुमको जाके अपने अपने पापा केस लड़ना है, वहाँ बाबूजी को चुनाव लड़ना है और खेल का मैदान बनना है हम। देखो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो अगर तुम्हें हमारी वजह से कुछ बुरा लगा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। जरूरी बात हमसे? अरे हमको माफ कर, जाके अपने पापा से अपने भाई से, वो कौन नया शुभचिंतक है ना अमन माथुर, उनको जाके बताओ। हमसे का, हम तो पति हैं, हम तो ऐसे घर की मुर्गी है, हमसे का बात करोगी बताओ? लोग वही है तुम्हारे अपने, उनके पास जाओ, उनको बतियाओ। अभी जाओ तो हम रोकेंगे नहीं, चले जाओ अभी कभी। सुन रहे हैं, अब बाबा की हालत तो हमसे नहीं देखी जाती। बीबी के रहते कौन मरद ऐसे भटकता है? आज फिर खाना खाए बिना चला गया और अभी तक घर नहीं लौटा है, पता नहीं कब लौटेगा। और उधर मैडम अपने कमरे में पैर पसार के सो रही होगी। अपने मरद की चिंता है उसको? ना अपने मरद की चिंता, ना ससुरार की। अरे ठकुराई, एक बात बताओ, ये बबुआ बेहुदा हमारी औलाद तो नहीं लगता? क्या बोलते? अरे अगर हमारी औलाद होता तो ऐसा पत्नी भगत ना होता, शुरू में 2 लाख जमा के देता, बीवी काबू में रहती हो, ऐसे लिहाड़ा लोफड़ की तरह गली गली ना बैरागी बन के न घूमता, समझो कि नहीं? ये कुत्ता जो है ना अपने बाप भाई से भी कुछ नहीं सीखता तो हम क्या करें? करें अपने मन की? तो सुनो, हम लोगों को अपनी जान देने की जरूरत नहीं, ना कोनो हाय हाय करने की जरूरत है, समझो? बत्ती बुताओ और सो जाओ। हमों को अपने चुनावी राजनीति और रणनीति के बारे में सोचना है, लेकिन नहीं बारे में ससुर परेशान रहे इलेक्शन के टाइम। सो जाओ। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है शक्ति भाई, तो कोई हमारे सामने हमारी प्रतिज्ञा पे हाथ उठाएगा ना तोड़ देंगे। अरे जब वो अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो काहे जिद कर रहे हैं? कोनो जबरदस्ती है का? हैं?
अबे वो लड़की तुमको खेला खिला रही है, तुम खेल रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तुम पगलाए गए हो ससुरे, तुम आसकी में पगलाए गए हो। पहली रात को बाबा को इस औरत ने अपने आप को छूने भी नहीं दिया। तुमको पता था कि बाबूजी ऐसे जाके वकीलों को मना कर रहे हैं, अब पता चल गया तो बस ठीक है, रखो तुम अपना वकील। अरे वो ले कोई और ले, उनको क्या करना है यार, क्या मतलब। एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया। चेहरे पर बहुत ही परेशानी दिख रही है, क्या बात है प्रतिज्ञा, बाबा अभी तक नहीं लौटे, एलिए परेशान हो। हाँ दीदी, वो हमसे नाराज है क्योंकि उसे हमेशा हमारी वजह से सुनना पड़ता है। अब आज भी देखो ना, कोर्ट से आने में थोड़ी देर क्या हो गई, कृष्णा को इस बात के लिए भी सुनना पड़ा। दीदी हम भी क्या करें, वो काम भी तो उतना ही जरूरी है ना, कोर्ट कचहरी के मामले में तो देर हो ही जाती है। आज हमें कृष्णा से एक जरूरी बात करनी थी लेकिन वो गुस्सा कर चला गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे अगर गुस्सा है तो तुम मना लो, बाबा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकते, थोड़ी सी कोशिश करोगी और वो मान जाएंगे, और सीधे सीधे ना माने तो ये तो हर औरत जानती है कि अपने मर्द को कैसे खुश रखा जाता है। अरे उठ बो, अरे तनिक धीरे, गाड़ बड़ी मुटके का पूरे खानदान को उठाने का इरादा है का? चादर उधर ले ले और ऊपर छत पे जाके सो। जब तुमको कह रहे हैं तो ये आंखें फाड़ के हमको देख कर रही है, उठ के ऊपर जा, उठ। कल सुनाई ये पायली अब उतार के आना, नहीं तो पांव काट देंगे तुमरे, समझे? का ऐसे का देख रही, हम तो तुमको पहले ही बोले थे कि तुमको पति चाहिए कि बच्चा, और जब तुम बच्चा चुन चुकी हो तो हमरा भी तो कुछ चुनने का मन करता है, अपनी जरूरत पूरी करने का मन करता है, इसलिए तुम यहां से जाओ। उठाओ पर दिखाए नहीं, पूरी गुम्बद और सीढ़ियां बिना आवाज के चढ़ना। और सुबह होने से पहले चुपचाप यहां वापस आ जाना। एक बात और गांठ बांध ले, अगर ये बात किसी को पता चले यही गाड़ देंगे, समझे?
ए बहुजी, इतनी रात को कहाँ जा रही? छत। छत पे मतलब? अच्छा, कहा शक्ति भाई ज्यादा चढ़ा लिए का आज हैं? क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तुमको या कोई और बात है? अरे ज्यादा हवा मत खाओ, समझो वो उसमें आए गए शक्ति भाई, जानते हो ना, तुम्हें हवा निकाल देंगे। ऐसी कौनो बात नहीं है, वो हम छत पे कपड़े भूल आए थे ना, वही लेने जा रहे हैं। प्रियसी अभी शायद भूल आई। प्रतिज्ञा बन जा।